हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ अडेनियम प्लांट पर बात करने वाली हूं। तो कुछ टाइम के बाद आपको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी और आप लोगों की हेल्प के लिए मैं वीडियो आज शूट कर रही हूं। यहां पर देखिए कुछ पेस्ट अटैक है और देखिए छोटे छोटे एग्स हैं किसी पेस्ट के। तो इस तरह से पुरानी पत्तियों को आप बिल्कुल हटा दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के बारे में। अभी तो ज़रूरत नहीं है, अभी तो काफ़ी ठंड पड़ रही है और अभी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम जब आएगा तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहेगा कि हम पहले प्रूनिंग करें या फिर पहले रिपोर्टिंग करें, तो उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ये देखिए मेरा सीड ग्रोन प्लांट है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से खिल रहा है। इसमें डबल पेटल के फूल हैं, ट्रिपल भी हैं। कोई देखिए बाकी के फ्लावर ट्रिपल हैं लेकिन दो फ्लावर इसके डबल पेटल निकले हुए हैं। तो ये शायद मौसम का होगा। कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं, और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। इसको पानी भी मैं देती रहती हूँ टाइम टू टाइम जब सूख जाती है मिट्टी। तो हम बात करने वाले हैं आज प्रूनिंग या रिपोर्टिंग, पहले रिपोर्टिंग करनी है या पहले प्रूनिंग करनी है। लगभग जैसा हमारे यहाँ का टेम्परेचर होता है ना, हमारे यहाँ जनवरी के एंड में मतलब फरवरी स्टार्टिंग में हम प्रूनिंग रिपोर्टिंग और ग्राफ्टिंग वगैरह शुरू कर देते हैं। मैं शुरू कर देती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ का टेम्परेचर लगभग 30 के अबाउट रहता है। उस टाइम पे 30-31 टेम्परेचर हो जाता है जनवरी के एंड तक, तो मैं अपने यहाँ ये प्रोसेस शुरू कर देती हूँ। तो मैं अपने यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से आपको जो बताने वाली हूँ। अगर आप लोग प्लांट की अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हैं, अभी अगर देखा जाए तो कुछ प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट भी हो चुकी है, कुछ की नहीं हुई। जैसे इसमें देखेंगे आप, ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या होता है, जब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है ना, सारी एनर्जी यहाँ से लेकर के प्लांट पूरी टिप पे लगा देता है। यहाँ पर पूरी टिप पे ला करके प्लांट की ग्रोथ के लिए एनर्जी मतलब फोकस करता है प्लांट। उस कंडीशन में हमको क्या करना है, मैं अगर आपको सलाह दूँ तो पहले आप प्रूनिंग कीजिए। जब पॉट में लगे हुए प्लांट की आप प्रूनिंग करेंगे तो उसमें ग्रोथ एकदम से निकल करके आएगी। जितनी ब्रांच जैसे हम यहाँ से कट करेंगे ना, तो 3 ब्रांच 4 ब्रांच निकल करके आएगी, 3 तो निकल करके आएगी। अगर हम रिपोर्टिंग मतलब पहले करते हैं, प्रूनिंग बाद में करते हैं, या फिर दोनों साथ में करते हैं, तो क्या होता है, प्लांट हमारा न्यूट्रिएंट्स मतलब अंदर मिट्टी के नहीं होता है, प्लांट बाहर होता है। उस कंडीशन पर कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक ही ब्रांच निकल के आती है यहाँ से। इतनी ज़्यादा एनर्जी इसको नहीं मिलती यहाँ पर कि ये पूरी एनर्जी को ला करके यहाँ पर आपको 2 या 3 ब्रांच एक साथ निकाल कर दे। तो जब प्लांट गमले में पड़ा रहेगा, उस कंडीशन पे अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो आपके प्लांट की एक्स्ट्रा एनर्जी पूरी इस टिप पे आके लगेगी और टिप से कई सारी ब्रांच यहाँ आई फुटाव से निकल करके आएंगी। और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप प्रूनिंग से पहले रिपोर्टिंग से पहले प्रूनिंग कर दें तो प्लांट आपका अच्छा रहेगा। ये आपको करना है जनवरी के एंड में, जब आपके यहाँ का टेम्परेचर लगभग 29-30 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, तब कोई भी प्लांट का हो। मैं अगर बता दूँ तो मेरे यहाँ का टेम्परेचर अभी लगभग 27 डिग्री रहता है, कभी 28 हो जाता है दोपहर के टाइम में। रात का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, रात को ठंड रहती है हमारे यहाँ, लेकिन दिन में धूप इतनी ज़्यादा तेज़ निकलती है। आज थोड़ा सा मौसम कोहरा वाला है, मतलब थोड़ा बादल छाए हुए हैं, आज उतना ज़्यादा धूप नहीं है। लेकिन अगर बताऊँ तो मेरे यहाँ का टेम्परेचर मतलब अडेनियम के लिए सही है। तो मैं चाहूँ तो अभी भी प्रूनिंग कर सकती हूँ, लेकिन मैं भी जनवरी के एंड में ही करूँगी। और मैंने आपको इसलिए पहले से ये बताना ज़रूरी समझा कि आप लोगों को मतलब थोड़ा सा जानकारी रहेगी तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और किसी भी प्लांट की अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग से पहले आप उसकी प्रूनिंग कर लेते हैं। अगर जैसे ये प्लांट देखिए, अगर इसकी मेरे उन्नति, इसमें बहुत सारी नई नई ब्रांच निकल करके आएंगी और प्लांट हमारा काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बूसी हो जाएगा। तो बस यही बताना था आपको, तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, पहले आप लोग प्रूनिंग कर लीजिए। जो प्लांट आपके प्रून करने के लिए लायक हैं उनको आप पहले प्रून कर लीजिए, उसके बाद आप उनको फरवरी में मतलब 15 दिन के बाद फिर आप उसको रिपोर्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप कीजिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो अभी तो प्रूनिंग मैं इसलिए नहीं कर सकती, नहीं मेरे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ठंड बढ़ सकती है। ठंड का कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि हर जगह पर बारिशें हो रही हैं और कभी भी ठंड यहाँ पर भी बढ़ सकती है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। नहीं तो फिर जितने भी
प्लांट हैं, जैसे मैं अपनी जो ब्रांचेस हैं उनको वेस्ट भी नहीं करना चाहती हूँ कि ग्राफ्टिंग भी करनी है क्योंकि मुझे, तो ग्राफ्टेड प्लांट की ब्रांच को मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए अभी मैं नहीं करूँगी प्रूनिंग, मैं जनवरी के एंड में ही करूँगी, मतलब फरवरी के स्टार्टिंग से। तो आप लोग भी तभी कीजिएगा। और जिन प्लांट की प्रूनिंग आपको नहीं करनी है, जैसे इनकी ब्रांच देखिए बहुत छोटी छोटी सी, ये ग्राफ्टिंग मेरी लास्ट ईयर की है, मतलब लास्ट ईयर तो नहीं कर सकते, यही जुलाई अगस्त की ग्राफ्टिंग रही होगी, जुलाई अगस्त की या फिर शायद जून मई जून की ग्राफ्टिंग रही होगी। तो ये देखिए अब जाके ये ग्रोथ पे आ रहे हैं, इसमें देखिए कलियाँ बन रही सभी जगह पे, ये देखिए इसमें भी नई नई कलियाँ बन गई हैं। तो इसकी मुझे प्रूनिंग नहीं करनी क्योंकि छोटी बहुत छोटी ब्रांचेस है, तो इसका हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग ही करेंगे। और बिग साइज के कोडेक्स है और इसके लिए पॉट छोटा, और पूरा पॉट यहाँ पे अंदर फूल गया है, तो रिपोर्टिंग ये ज़रूरी है इसकी करनी, इसलिए इसकी फरवरी में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो जो जो प्लांट को नीड हो उसको आप रिपोर्ट करिए, वैसे रिपोर्टिंग करने से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, प्लांट का कोडेक्स काफ़ी बिग साइज़ का होता है, अगर साल में एक बार आप रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। प्लांट आप चेक कर लेंगे कि प्लांट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि प्लांट ऊपर से बहुत ही अच्छा दिखता रहता है लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ रोटिंग किसी न किसी प्लांट में निकल ही आती है जब भी हम फरवरी में प्लांट को निकालते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे बड़े प्लांट हैं आप तो उनको आप निकाल करके गमले से बाहर भी रख सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे आप बड़े प्लांट जो आपके एक साल से बड़े प्लांट हैं, मतलब दो दो साल के प्लांट हैं, दो साल चार साल छः साल, उन प्लांट को आप गमले से बाहर निकाल के अच्छे से धो करके सुखा करके आप उनको कहीं पर हैंग कर सकते हैं ताकि वो उनमें कोई रोटिंग का कोई फंगस का चांस ना रहे। और आप उसको फरवरी में फिर रिपोर्ट करिएगा, प्लांट आपके बहुत अच्छे रहेंगे। तो बस फ्रेंड्स आज यही आपसे बात करनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।